अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? इस वक्त सर जहाँ रहे जी खुश है। आज जो है मैं क्विक से दो जुड़ा बता रही हूँ आपको, राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे एक एक जुड़ा नजर आ रहा होगा और बहुत ही क्विक 5 मिनट के अंदर ही ये जुड़ा बन जाएंगे और गर्मी में बहुत ही कंफर्टेबल और स्टाइलिश नजर आएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आपके बाल चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, दोनों में ये जुड़ा बन जाएंगे। और जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो वन बाई वन, मैं आप लोगों को जुड़ा करके बताती हूँ। ओके जी, सबसे पहले जो है बालों को अच्छी तरह से ब्रश कर लें। उसके बाद जो है हमने सिंपल पोनी की तरह ऊंचा सा जो है ना वो बालों को ट्विस्ट करना है। इस तरह से रिबन नहीं लगाना, सिंपल हमने जो है बालों को ऊंचा करके उसको ट्विस्ट करना है इस तरह से। और फिर हमने एंड से स्टार्ट करना है, उसको फोल्ड करना और इसको जो है हम इस तरह से जो है हम अंदर की तरफ जो है मोड़ते जाएंगे, यानी हम थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे अंदर तक जो है ना सारे बाल अंदर अच्छी तरह से फिक्स हो जाएँ। इस तरह से साइड से आपने बिल्कुल चाहे तो कॉम से करें चाहे हाथ से सेट करने बाल, ताकि बाल ख़राब ना हो। और नीचे से भी जो है हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और सारी पिंस जो है ना सिंपल ब्लैक पिंस लगानी है और नीचे से स्टार्ट करें ताकि बाल फिक्स हो जाएं। और फिर पूरे जो है ना जूड़े के एंड में आपने जो है पिंस लगा लेनी है ताकि बाल जो है खुले ना। अच्छी तरह से करने के बाद जो है टेल कॉम से आप ब्रश कर लें ताकि बाल बिल्कुल नीट हों और जो है जो बाल बाहर आ रहे हैं उसको टेल कॉम की बैक साइड से जो है आप लोग अंदर कर लें। और टेल कॉम से इस तरह से आप लोग बारीक ब्रश भी हो जाएगा और बिल्कुल नीट लुक आएगी। उसके बाद जो है इसके ऊपर मैं स्प्रे कर दूँगी। स्प्रे वही यूज़ कर रही हूँ जो मैंने आप लोगों को बनाना बताया था। इससे बालों में बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी। आप लोग देख भी सकते हैं कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है और कितना नीट नज़र आ रहा है। उसके बाद कोई भी क्लिप जो है आप लगा सकते हैं इस तरह से साइड पे, ताकि जो है ना जो अंदर ट्विस्ट किए हैं वो बाल नज़र ना आए। बाकी जूड़ा आप लोगों के सामने है कितनी जल्दी बन गया है और 5 मिनट से भी कम जो है ना वो टाइम लगता है इस जूड़े को बनाते हुए और समर में बेहतरीन रहता है। उसके बाद जी सेकेंड जूड़ा हम अपना स्टार्ट करते हैं और इसको जो है हमने सिंपल रबर बैंड लेना है। अच्छा, रबर बैंड आपने ब्लैक कलर का लेना है, किसी और कलर का नहीं लेना। और इस तरह से हमने सिंपल ऊंची पोनी बनानी है, लेकिन जो हमने लास्ट वाला बल देना है ना, दो बल मैंने दे दिए हैं रबर बैंड को, लास्ट वाला जो बल देंगे उसको हमने पूरा कंप्लीट नहीं करना। इस तरह से एंड में 4-5 इंच के बाल छोड़ देने हैं और ये जो हमने बाल लिए हैं इसको हम अंदर की तरफ ट्विस्ट करेंगे और ये इस तरह से जगह सी बन जाएगी। इसके अंदर हमने सारे जो बाल हैं उसको आराम से जो है हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इस तरह से बैक पे हार्ड रखें बालों के, ताकि जो बाल हैं वो ख़राब ना हो। इस तरह से बिल्कुल नीट आप लोगों का जूड़ा बन जाएगा। और उसके बाद इसके ऊपर आप स्प्रे कर लें और टेल कॉम से उसको नीट कर लें और कोई भी जो है आप इस तरह से बिल्कुल नीट आप लोगों का जूड़ा बन जाएगा। और उसके बाद इसके ऊपर आप स्प्रे कर लें और टेल कॉम से उसको नीट कर लें और कोई भी जो है आप लोग फ्लावर्स लगा सकते हैं, क्लिप लगा सकते हैं, पिंस लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और कितनी जल्दी जूड़ा बन गया है और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम रह लेता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। ओके जी, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।